स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है एन क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू डिवाइड बाई एन क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू। स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है एंड देन वैल्यू बताने। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हेयर इन न्यूमरेटर दैट इज एन क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एन एंड देन दिस माइनस टू प्लस एन स्क्वायर माइनस वन टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर एंड दिस फोर इज सेम एज टू टाइम्स या टू स्क्वायर एंड डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एन एंड देन प्लस टू प्लस एन स्क्वायर माइनस वन टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस फोर इज सेम एज टू स्क्वायर। नाउ हेयर एन क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एन माइनस टू। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फैक्टराइज दिस क्यूबिक एंड ऑल्सो फैक्टराइज दिस क्यूबिक। स्टूडेंट्स, वी विल फैक्टराइज दिस क्यूबिक इन नेक्स्ट स्पेस। हेयर एन क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एन माइनस टू। नाउ इफ यू पुट एन इज इक्वल्स टू माइनस वन देन माइनस वन पावर थ्री माइनस थ्री टाइम्स एन इज रिप्लेस्ड बाय माइनस वन माइनस टू देन माइनस वन पावर थ्री दैट इज माइनस वन एंड माइनस थ्री इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन देन वी गेट प्लस थ्री एंड माइनस टू एंड स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल्स टू जीरो। सो एन प्लस वन इज अ फैक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, हियर दिस इज क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो एन प्लस वन एन प्लस वन एंड एन प्लस वन हेयर एन पावर थ्री। सो स्टूडेंट्स, हेयर एन पावर टू, एन पावर टू इज मल्टीप्लाइड बाय एन देन वी गेट एन पावर थ्री एंड एन पावर टू इज मल्टीप्लाइड बाय वन देन वी गेट एन पावर टू बट हेयर नो एन पावर टू। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव टाइम्स एन देन नेगेटिव टाइम्स एन इज मल्टीप्लाइड बाय एन देन वी गेट नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव एन स्क्वायर एंड नेगेटिव एन इज मल्टीप्लाइड बाय वन देन वी गेट नेगेटिव एन एंड हेयर माइनस थ्री टाइम्स एन। सो स्टूडेंट्स, हेयर माइनस टू देन माइनस टू इज मल्टीप्लाइड बाय एन देन वी गेट माइनस टू टाइम्स एन एंड हेयर माइनस एन देन माइनस थ्री टाइम्स एन एंड माइनस टू इज मल्टीप्लाइड बाय वन देन वी गेट माइनस टू। सो स्टूडेंट्स, इफ वी टेक कॉमन एन प्लस वन देन हेयर एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू एंड स्टूडेंट्स हेयर एन प्लस वन दिस इज क्वाड्रेटिक। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग मिलर्टम स्प्लिट। हेयर एन स्क्वायर माइनस एन इज सेम एज माइनस टू टाइम्स एन प्लस एन माइनस टू देन एन प्लस वन टाइम्स हेयर इफ वी टेक कॉमन एन देन एन माइनस टू एंड हेयर इफ वी टेक कॉमन वन देन एन माइनस टू। सो स्टूडेंट्स, हेयर इफ वी टेक कॉमन एन माइनस here n plus 1 and if we take common n minus 2 then here n plus 1 here n plus 1 and here n plus 1 this applies n plus 1 whole square times n minus 2. So students, factor of this cubic polynomial that is n cube minus 3 times n minus 2 this is equals to n plus 1 whole square times n minus 2. Now students, we will factorize this cubic that is n cube minus 3 times n plus 2. N cube minus 3 times n plus 2. Here if we put n is equals to 1 then 1 power 3 that is 1 minus 3 and n is replaced by 1 plus 2. This implies 1 minus 3 plus 2 that is 0. So students, n minus 1 is a factor of this cubic polynomial. So students, this is cubic polynomial, so n minus 1 n minus 1 and n minus 1 and here n cube. So students, here n square is multiplied by n then we'll get n cube and n square is multiplied by minus 1 then we'll get minus n square. So students, here plus n is multiplied by this and then we'll get plus n square and here minus n square then this is cancelled out because students here n coefficient of n square is 0 and n is multiplied by minus 1 then we'll get minus n and here minus 3 times n. So students, here minus 2. Now n minus 1 is common
then n square plus n minus 2, and here n minus 1, and n square, this plus n is same as plus 2 times n minus 2, and here n minus 1 is multiplied by, here if we take common n, then n plus 2, and here if we take common minus 1, then n plus 2. Now, here n minus 1, and here n plus 2, n plus 2. So, students, if we take common n plus 2, then here n minus 1, and n minus 1 is multiplied by n minus 1. That is, this implies n minus 1 whole square times n plus 2. Here, factor of this cubic, this is n minus 1 whole square times n plus 1. So, students, now simplify this expression. N cube minus 3 times n minus 2. Students, factor of this cubic, that is n plus 1 whole square times n minus 2. So, this implies n plus 1 whole square times n minus 2 plus n square minus 1 is same as n plus 1 times n minus 1. And square root of n square minus 2 square, that is n plus 2 times n minus 2. N divided by factor of this cubic, n cube minus 3 times n plus 2, that is n minus 1 whole square times n plus 2 plus n square minus 1 is n plus 1 times n minus 1 square root of n square minus 2 square, that is n plus 2 times n minus 2. Now students, look carefully this expression. N minus 2, and here is square root of n minus 2. So, this implies, we know that square root of a times b, this is equals to square root of a times square root of b. So, n plus 1 whole square, this n minus 2 is same as square root of n minus 2 times square root of n minus 2. And here n plus 1 times n minus 1, and this expression by using this rule is square root of n plus 2 times square root of n minus 2, and divide by n minus 1 whole square. N plus 2 is same as square root of n plus 2 times square root of n plus 2 plus n plus 1 times n minus 1, and by using this rule, square root of n plus 2 times n minus 2, that is square root of n plus 2 times square root of n minus 2. Now, here n plus 1 whole square, and here n plus 1. And here square root of n minus 2, and here square root of n minus 2. So, students, if we take common n plus 1 times square root of n minus 2, then in numerator part, n plus 1 whole square and common n plus 1. So, students, here n plus 1 times, and square root of n minus 2 is common, then here square root of n minus 2 and plus, and n plus 2 here is common, and square root of n minus 2 is common. So, students, here n minus 1 times square root of n plus 2. Now, in denominator part, n minus 1 whole square, and here n minus 1, and here square root of n plus 2, and here square root of n plus 2. So, students, if we take common n minus 1 times square root of n plus 2, then here n minus 1 times square root of n plus 2 plus, and n minus 1 is common, then here n plus 1 times square root of n minus 2. Look carefully. N plus 1 times square root of n minus 2, n plus 1 times square root of n minus 2, n minus 1 square root of times n plus 2, n minus 1 square root of n times plus 2. Then this and this is cancelled out. So, students, here n plus 1 times square root of n minus 2 divided by n minus 1 times square root of n plus 2. Students, this is our final answer. Students, if you like my videos, then please subscribe my channel, and thank you.